हेलो, मेरा नाम आनंद है, आनंद कमलेश त्रिपाठी, और आप मुझे बिंदास पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आज रिलीज हुई फिल्म दशमी की। जी हाँ दोस्तों, दशमी, जिसका ट्रेलर सुपर डुपर हिट हुआ था। आप तमाम लोगों ने इस फिल्म के ट्रेलर से ही ये कहना शुरू कर दिया था कि ये फिल्म जबरदस्त होने वाली है। कम से कम एक ऐसी फिल्म जिसकी लंबे समय तक चर्चाएं होंगी, वैसी ही बनी हुई है दशमी। शांतनु सर ने क्या शानदार डायरेक्शन किया है। उनकी कहानी पहले ही मैं कह चुका हूं इससे कि औसम है। जी हाँ, एक जबरदस्त, कठोर और सख्त सोशल मैसेज के साथ दशमी बनी हुई है, और ये फिल्म थिएटर्स में आई हुई है। अगर बात मैं फिल्म की करूं तो करीब 2 घंटे के आसपास इसकी रनिंग टाइम है, और शांतनु जी ने इसका स्क्रीन प्ले, स्टोरी और डायरेक्शन का जिम्मा उन्होंने खुद संभाला हुआ है। फिल्म में वर्धन पुरी, आदिल खान और गौरव शिरीन जैसे कलाकार हैं इसमें। आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको कई और शानदार कलाकार दिखाई देंगे, जैसे हमारे मनोज टाइगर साहब हैं, वहीं दूसरी तरफ संजय पांडे साहब हैं, जो कि इस फिल्म में खलनायक की भूमिका में हैं। अब बात अगर फिल्म की करूं मैं, तो फिल्म जो है वो शुरू होती है, फर्स्ट हाफ में आपको नजर आता है कि कई फेमस मशहूर लोग हैं जिन्हें किडनैप किया जा रहा है, जिनका अपहरण किया जा रहा है। ठीक है, अब ये अपहरण कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है, तो ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चल पाएंगे कि आखिर इसके पीछे की असल वजह क्या है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि फिल्म नाबालिग बच्चियों के साथ हो रहे दुष्कर्म पर एक कठोर प्रहार करती है, और ऐसे लोगों को एक सबक सिखाते हुए कुछ युवा इस फिल्म में आपको नजर आएंगे जो कि बच्चियों के साथ, नाबालिग लड़कियों के साथ ये दुष्कर्म करते हैं। आपको सेकेंड हाफ में ये नजर आएगा कि किस तरह से जो फिल्म की कहानी है वो आगे बढ़ती है, और ऐसे लोगों को जो एक्सपोज है किया जाता है, और उन्हें उनके साथ किस तरह से जो रावण उनके अंदर है, बुराई रूपी रावण है, उसका दहन होता है। वैसे फिल्म के डायलॉग्स में ही आपको नजर आ गया होगा कि दौर कोई भी हो, जी हाँ वक्त कोई भी हो, जो रावण है उसे तो मरना ही होता है, और दशमी हर बार आती ही है। तो ये जो नया रावण है, ये ऐसी बुराई है जो कि हमारे समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। हमारी बच्चियां समाज में सुरक्षित नहीं है, और इस पर शांतनु सर ने क्या शानदार फिल्म बनाई है। मैं ये मान रहा हूं पर्सनली, निजी तौर पर ये मैं मान रहा हूं कि जो फिल्म की कहानी है, इसकी चर्चाएं मुझे लगता है आने वाले काफी समय तक होती रहेंगी। जो स्क्रीन प्ले है शांतनु जी का, वो शानदार है। वहीं फिल्म के सारे कलाकारों ने अपने अपने काम को बखूबी निभाया है। फिल्म में आपको वर्धनपुरी साहब शानदार नजर आएंगे, आदिल खान साहब वो तो आप सबको पता है कि शानदार उम्दा एक्टर है ही। वहीं दूसरी तरफ संजय पांडे जी ने भी तमाम लोगों को जरूर प्रेरित किया है इस तरफ कि एक बढ़िया शानदार फिल्म बनाई जाए। उन्होंने, हालांकि वो नेगेटिव शेड में है, लेकिन अपने काम को बखूबी किया है। फिल्म में आपको एक साफ सुथरी फिल्म नजर आएगी। कहीं भी आपको कोई वल्गैरिटी, अश्लीलता या फिर एक बोल्ड विषय पर आधारित फिल्म है, आपको कहीं भी कोई गंदगी दिखाई नहीं देगी। ऐसी फिल्में जो समाज को एक सख्त मैसेज देती हैं कि देखिए, अगर आप बुरा करेंगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना होगा, आपको समाज से ही उसका हिसाब पे करना होगा। समाज जो है, जो हमारे वर्ग के लोग हैं, कुछ लोग इसमें से आगे आते हैं और फिर उन्हें सजा दी जाती है गलत करने वालों को। तो मैं यही कहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि दशमी थिएटर्स में है, एक बार कम से कम आप इस फिल्म को देखिए, आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। आपको लगेगा कि आप लोगों ने एक बढ़िया सिनेमा, एक मैसेज वाला सिनेमा, एक साफ सुथरा सिनेमा और एक यादगार सिनेमा जो है वो देखा है। ओवरऑल अगर मैं अपने रिव्यू की बात करूं, तो मेरे रिव्यू में दशमी को 3.5 स्टार्स मिलते हैं, जो कि मुझे लगता है एक बढ़िया फिल्म के लिए थोड़े और ज्यादा हो सकते थे स्टार्स, लेकिन मेरे रिव्यू में 3.5 स्टार्स हैं दशमी को, और दशमी की पूरी टीम को बधाइयां। दशमी की पूरी टीम को मैं बधाइयां देना चाहता हूं कि आपने एक बढ़िया विषय उठाया, एक ऐसा मुद्दा उठाया
जिसकी समाज को जरूरत थी। वैसे अगर आप लोगों ने भी दशमी देखी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया।